करनाल के केवीए डीएवी महिला महाविद्यालय में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को कृषि संबंधी जानकारी दी गई। इस दौरान कॉलेज की प्रोफेसर ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य यह है कि छात्राओं को सशक्त बनाया जाए और कृषि संबंधी जानकारी देकर उनको जागरूक किया जाए। खेती के बारे में कृषि विशेषज्ञों द्वारा छात्राओं को अपने संबोधन के जरिए जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, जिसमें खेती बाड़ी का बहुत महत्व है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर ज्यादा से ज्यादा पैदावार इस तरह की जमीन से प्राप्त कर सके, इसके बारे में छात्राओं को जागरूक किया। देखिए, हम लोग केवीए डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन करनाल में आज एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। 2 दिन की कार्यशाला है, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी इंटर कॉलेज प्रोग्राम है। इन 2 दिनों में, पहले दिन केवीए डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन के प्रीमाइसिस में हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स के बारे में बात करने के लिए हमारे पास रिसोर्स पर्सन हैं, डॉक्टर पहूप सिंह जो रिटायर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर हैं उचानी से, और डॉक्टर रितु शर्मा हैं जो अभी कार्यरत है उचानी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ये लोग जो 7 कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए हैं, मेनली हम गर्ल स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, जिनको कि हम बागवानी के अलग अलग तरीकों पर जानकारी देंगे। तो हमारे 2 मुद्दे हैं जिनको हम हल करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। एक तो कि जो हमारी लड़कियाँ हैं उनका योगदान जो खेती बाड़ी में है वो बहुत कम है, और बल्कि ना के बराबर है मैं तो कहूँगी। और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन हो गया है, इसको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है। जब लड़कियाँ भी इसमें शामिल हो जाएंगी तो ना केवल हम उनको एम्पावर करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनके द्वारा जो उन्होंने ज्ञान लिया है उसके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को और बहनों को और ज़्यादा सशक्त करने में कामयाब रहेंगे। और क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं लड़कियाँ, वो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रीम्स में बीएससी बीए बीकॉम के छात्राएं हैं, तो उनका जो एक सोच का स्तर है वो भी बहुत बेहतर है, और हम उनको अगर ट्रेन करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी बहुत बेटर होंगे और उनका योगदान भी बढ़ेगा, वो सशक्त भी होंगे, और इसके माध्यम से हरियाणा को सशक्त करने में, जो किसानों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हम बहुत हद तक सफल हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं मकसद क्या है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो इसके माध्यम से हम ज्ञान देना चाह रहे हैं। बागवानी के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अब खेती बाड़ी में अक्सर हम इन अपने साथियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ज़मीन तो हमें बहुत जितना दे सकती थी वो दे चुकी है, अब हमें उससे और चीज़ें जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन है, बी कीपिंग है, फूलों को उगाना है, औषधीय पौधों के बारे में जानकारी लेना है, उनकी पैदावार को बढ़ाना है, ये सब चीज़ें, और पैदावार हो जाने के बाद जो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है इसके बारे में हम लड़कियों के माध्यम से परिवारों को तक ये जानकारी देना चाहते हैं, और उसको उनको भी इसके माध्यम से सशक्त बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो मैम, क्या लगता है स्कूल और कॉलेज में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ कर रखा है, जिसका कि पूरी तरह फ़ायदा हम नहीं उठा पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जानकारी जो है वो हम तक पहुंच नहीं पाती है। तो स्कूल और महाविद्यालय जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस जानकारी को बच्चों तक, पब्लिक तक पहुंचाने का, क्योंकि सरकार ने जो स्कीम्स बनाई हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं, उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम उन लोगों के थ्रू ही कर सकते हैं जो ऑलरेडी एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये एक, मुझे ऐसा समझता है कि ये एक बहुत छोटा प्रयास सही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।